चार दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सायंकाल गोरक्षपीठ स्थित शक्ति मंदिर में पहुंचकर शस्त्र पूजन एवं सात्विक पंचबलि देकर हवन किया। गौरतलब है कि गोरखनाथ मंदिर के मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठ अधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने करीब 2.5 घंटे तक माँ भगवती की शक्ति की आराधना की और महानिशा पूजन किया। इसको लेकर मंदिर में अनुष्ठान 4 बजे ही शुरू हो गया था, लेकिन सीएम योगी ने इस अनुष्ठान में 6 बजे के करीब शामिल हुए। इस अनुष्ठान का सिलसिला 8:30 बजे तक चला। बता दें कि नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार अष्टमी का हवन अष्टमी की रात में ही हो जाता है। वहीं शुक्रवार दिन में 12:30 बजे से अष्टमी तिथि लग गई थी, इसलिए शुक्रवार की 6:00 बजे से सीएम योगी आदित्यनाथ पूजन में शामिल हुए। मंदिर के प्रधान पुरोहित आचार्य नामानुज त्रिपाठी ने गोरक्षपीठ अधीश्वर योगी आदित्यनाथ से गौरी गणेश पूजन, वरुण पूजन, पीठ पूजन, यंत्र पूजन, स्थापित मां दुर्गा का विधिवत पूजन, भगवान राम लक्ष्मण सीता का षोडशोपचार पूजन, भगवान कृष्ण एवं गोमाता का पूजन, नवग्रह पूजन कराया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शस्त्र पूजन, द्वादश ज्योतिर्लिंग अर्धनारीश्वर एवं शिव शक्ति पूजन, बटुक भैरव, काल भैरव, त्रिशूल पर्वत पूजन का अनुष्ठान संपन्न हुआ। मंदिर में इसी क्रम में दुर्गा सप्तशती के पाठ एवं वैदिक मंत्रों के साथ पूजन का अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस मौके पर सीएम योगी ने कोरोना से निजात पाने की मंगल कामना और राज्य के विकास के लिए प्रार्थना की। गौरतलब है कि सीएम योगी ने 7:00 बजे के करीब शक्ति मंदिर के बाहर बनाई गई वेदी पर उगे जौ के पौधे को वैदिक मंत्रों के बीच काटा। उसके बाद हवन वेदी पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि देवता का आवाहन कर उनका विनयवत श्रद्धा भाव से पूजन कर कोरोना से निजात व लोक मंगल की कामना की। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ के साथ हवन संपन्न हुआ। परंपरागत रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारियल, गन्ना, केला, जायफल, खीरा की बलि देकर शक्ति की आराधना पूर्ण किया और लोक कल्याण की कामना की। करो दुर्गे कल्याण देखी।
अपराध परंपरा परम महिमाता समुपेक्षते सुतम अस्मादात्ते नास्ते पापं नेत्रसमानै एवं गत्वा महालेदी अखंडमंडलाकारं अतोहं विश्वरूपां नमामि परमेश्वर Thank you.